अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले आज हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक पाव ये इमली थी मेरे पास, एक पाव इमली को मैंने भिगो के रख दिया है आधे घंटे से। तो ये इतना, एक कप से थोड़ी कम मेरे पास चीनी है। और ये जाएंगे इसके अंदर जो मसाले, उसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम है ये चिली फ्लेक्स, और ज़ीरा हाफ टी स्पून, काला नमक हाफ टी स्पून, और ये जो अदरक पाउडर ये भी हाफ टी स्पून। तो इस तरह का एक पैन ले लिया, उसके अंदर हम इसको बॉयल करेंगे इमली को। तो आधा कप पानी मैं इसके अंदर और डालूंगी, तो इतना पानी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतनी मतलब पानी इसके अंदर इतना होना चाहिए। इसको हम 5-7 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। तो कवर करके पका रही हूँ मैं इसको 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको चेक कर लूँगी। बॉइल करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसकी गुठली अलग हो जाती है और जो इसका गूदा होता है ना ये अलग हो जाता है। तो फिर हम सिर्फ इसको छान लेना पड़ता है हमें। तो आपको अगर 1 महीने के लिए रखनी हो तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर 1 हफ्ते के लिए तो ये फ्रिज में चल जाती है, लेकिन फिर भी फ्रीज़र में अगर रखेंगे तो 1 महीना आराम से गुजर जाएगा। तो वैसे भी माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं, तो आप इसको बना के रख दें पूरा महीना के लिए, आप टेंशन फ्री। किसी चीज़ के पकोड़े बनाएं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, कबाब किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं इसको, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो देखिए आप इसके गूदा अलग हो रहा है। तो अब मैं इसका फ्लेम बंद करने लगी हूँ। तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो इमली को मैंने छान लिया है, अब वापस से हम इसी के अंदर डाल देंगे इसको। फ्लेम ऑन कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। तो मसाले इसके अंदर मैंने सारे डाल दिए एक साथ लगे। तो अगर आपको मसाले कम लगे, मिर्चें या नमक कम लगे, तो आप बाद में डाल सकते हैं। आप सारे मसाले नहीं इकट्ठे कर सकते, तो ज़्यादा तो नहीं है, वैसे वही है जो घर में नॉर्मली नमक मिर्च होता है, ज़्यादा नहीं है मसाले। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जैसे काला नमक नहीं, काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इमली, इसमें इमली की चटनी में। तो आप जो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि चाट मसाले में सारे मसाले मिक्स होते हैं, उसमें काला नमक भी होता है। तो अब हम डाल देंगे चीनी। अगर इमली ज़्यादा खट्टी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि खट्टी है इमली ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। तो फूड कलर डालती है इसमें रेड, इससे कलर अच्छा हो जाता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी अच्छा लगता है। और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, कॉर्नफ्लोर नहीं जाएगा इसके अंदर। मैंने जो बाज़ार से मिलती है चटनी इस तरह की, उसमें कॉर्नफ्लोर डाला होता है उन्होंने, लेकिन आप अगर घर पे बनाएंगे तो आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा उससे। बस थोड़ी जितनी आपको थिकनेस चाहिए इसको, उतनी ही इसको हम थिक कर लेंगे पका के। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। ठीक होना स्टार्ट हो गई है खुद ही पक पक के, 10-15 मिनट तो लगते ही हैं। चले तो माशाल्लाह से खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, और मैं इसका फ्लेम बंद करने लगी हूँ। हमें इतनी थिकनेस चाहिए क्योंकि ठंडी होगी तो ये और ठीक हो जाएगी। तो माशाल्लाह से इसको ठंडी करके आप इस तरह के एयर टाइट जार में, आप इस तरह के शीशे का जो होता है मिल जाते हैं आराम से, तो एयर टाइट जार में आप इस तरह से इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में 1 महीने के लिए, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो आप 1 हफ्ते के लिए रखेंगे।
इतना खूबसूरत कलर आया है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह से हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। और इसको आप रमज़ान आने वाले हैं माशाल्लाह से, और आप इसको रमज़ान में बना के स्टोर मतलब स्टोर करके रख सकते हैं एक महीने के लिए। तो उसके लिए आप जो भी पकौड़े समोसे कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं, कबाब खा रहे होते हैं, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी किसी अच्छी और सिंपल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।